नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता और शिवम्स गैलरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप जो अपने फोटोज है या वीडियोज है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है वॉल्ट। तो दोस्तों, वॉल्ट जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। काफी सिंपल और काफी ईजी एप्लीकेशन है, इसका यूजर इंटरफेस काफी ईजी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वॉल्ट है एप्लीकेशन, इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं आगे बता दूंगा आप प्ले स्टोर पर इसको कैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा कि फोटोज कैसे हाइड करते हैं या वीडियोज कैसे हाइड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे शेयर कर सकते हैं, आगे आप देख लेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ये जो एप्लीकेशन है जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिससे आपको समझ जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है और कैसे करना है। तो दोस्तों, आप ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे आप रखिएगा, आपको पसंद आया तो रख सकते हैं, नहीं तो अनइंस्टॉल कर दीजिए। पर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, प्रीमियम मोड है, आगे प्रीमियम जो फीचर्स है वो बता देता हूँ, जो फ्री है वो भी बता देता हूँ कि आप कैसे हो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो मेरा अपडेट्स है, जो वीडियोस के अपडेट्स है, जो मैं इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस डालते रहता हूँ वो आपको मिल जाएगा। और जो बेल का आइकन है सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में, उसे जो क्लिक करना ना भूले, जिससे आपको जो मैं अपलोड करूंगा वो एग्जैक्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इसे प्लीज जरूर, मैं वीडियो से कमेंट तो जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर आपको ओके था, या फिर आपको कोई सवाल हो, सुझाव, आप कुछ भी आपका होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, ये तो फ्री है, आप सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, कमेंट कुछ जरूर कीजिएगा, ये तो सब फ्री, आपको कोई पैसा देना नहीं है। लेकिन आप जिससे अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इससे अपना चैनल ग्रो कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वॉल्ट का ट्यूटोरियल और वॉल्ट कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे नहीं, कैसे उसका वर्किंग है, कैसे आप उसमें हाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह सब हम देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ट्यूटोरियल दे देता हूँ, तो अभी के लिए हम वॉल्ट देख लेते हैं, तो देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आप अपना जो फोटोज या वीडियोस है वो बहुत अच्छे तरीके से कैसे हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर चले जाते हैं और हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा वॉल्ट नाम से। तो मैं इधर टाइप कर लेता हूँ वॉल्ट। तो ये आप देख सकते हैं, पहला ही एप्लीकेशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और ये काफ़ी छोटा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं 5.6 MB का है खाली, इजीली डाउनलोड भी हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। तो दोस्तों, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 10 मिलियन डाउनलोड से 4.4 रेटिंग है, काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। आप नीचे चाहे तो रिव्यूज इसके देख सकते हैं, मैं श्योर हूँ कि इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, वेट कर लेते हैं जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो मैंने इसे यूज़ किया है, मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ कूलपैड नोट 3S और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने गैलरी में चले जाते हैं और मैं अभी आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि वो कैसे हैं। तो मैं ये कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। अब मैं इसे शेयर पे जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ। अभी वो इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे और ये शेयर में उसका ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे वॉल्ट इंस्टॉल हो गया, हम चले जाते हैं हमारे वॉल्ट पे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ उसका यूज़र इंटरफेस होगा। आप सबसे पहले कुछ पासवर्ड डाल दीजिए, जिससे आपका वॉल्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। 3 to 15 डिजिट्स पासवर्ड आपको डालना है, तो मैं आपको अभी डेमो दे रहा हूँ, तो मैं डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है फेक वॉल्ट, मतलब अगर आप किसी फैमिली मेंबर का, फ्रेंड को, किसी को पता चल गया या आप ऐसा कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और आपको आपको फोर्स कर रहे हैं कि ऐसा एप्लीकेशन को खोल के दिखाओ, तो फेक वॉल्ट से आप कर ही सकते हैं कि वो आप फेक वॉल्ट खोल के अपना
दोस्तों को दिखा सकते हैं, क्योंकि फेक वॉल्ट जो रहेगा पूरा एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा, तो आप उसमें बता सकते हैं कि हाँ ये एम्प्टी है, लेकिन आपका जो रियल वीडियोज़ है वो ओरिजिनल वॉल्ट में सेफ रहेगा। सेकेंड जो है वो ब्रेक इन अलर्ट्स, वो ये है कि अगर आपके जो वॉल्ट है अगर वो आपका कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर रॉन्ग पासवर्ड हुआ तो ये आपके फ्रंट कैमरा से डायरेक्टली उसका फ़ोटो क्लिक कर लेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं। थर्ड है स्लेथ मोड, स्लेथ मोड से आपको पता चलेगा, आप स्लेथ मोड से जो वॉल्ट का आइकॉन है वो आपके मेन्यू से चला जाएगा, और अगर आपको बाद में अपना वॉल्ट खोलना है तो आप कर सकते कि आप डायल में चले जाइए और हैश हैश मतलब डबल हैश और आपका जो पासवर्ड है वो डाल के कॉल का बटन दबा दीजिए, जिससे आपका डायरेक्टली वॉल्ट खुल जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीमियम बेनिफिट्स और फ्री बेनिफिट्स हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो फ्री बेनिफिट है उसमें आप 1 GB तक की बैकअप कर सकते हैं, और प्रीमियम में आप 1024 GB तक कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, और फ्री में हाइड फोटोज और हाइड वीडियोज है। पर ये जो ब्रेक इन अलर्ट्स फेक वॉल्ट हैं, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया पहले बताया, ये आप प्रीमियम में ले सकते हैं, मतलब आपको इसके लिए बाय करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, तो आप इसे चाहे तो हैक करके कर सकते हैं, आप इससे ऐप इन परचेस में जाके ले सकते हैं, आपके जो भी मर्जी हो। स्लेथ मोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन स्लेथ मोड में जो है हाइड वॉल्ट आइकॉन आपको इसमें जो है हाइड आपको अपने फ़ोन के जो लॉन्चर है उससे करना पड़ेगा, आप उसे अपने मेनू में हाइड कर लीजिए, और आपको अगर उसको खोलना है तो आप डायल में चले जा सकते हैं। पर अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो प्रीमियम में आपको मेनू आपका हाइड मेनू सब जगह से निकाल देगा। तो मैं ओके कर लेता हूँ और मैं आगे देख लेता हूँ कि इसके आगे क्या इंटरफेस है। इसे मैं फ़िलहाल कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे ख़रीदना नहीं है अभी। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इजी है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ SMS कॉन्टैक्ट्स ऐप लॉग जो है ये भी आप प्रीमियम में ले सकते हैं। प्रीमियम में ये है कि आपको कोई जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको ये लॉक कर देगा। तो दोस्तों मैं अभी दिखा देता हूँ कि फ़ोटोज़ वगैरह इसमें कुछ नहीं होगा, आप इसमें डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इम्पोर्ट पर चला जाता हूँ, और ये जो कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे फ्रेंड के, तो मैं वो फ़ोटोज़ जो है इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटोज़ डायरेक्टली इंपोर्ट हो गए, दो फोटोज़ आ गए। आप चाहे तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप अपने गैलरी में जाकर शेयर जाके करते हैं तो वो आपको उसमें शेयर में वॉल्ट का ऑप्शन दिखाएगा, आप जिससे डायरेक्टली इसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो भी डाल के दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लीजिए, ये वीडियो है, आप वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, इम्पोर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी है, और आपका ये सब गैलरी से हट जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा फ़ोटोज़ है मैं उसको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। फ़ोटोज़ मेरे ये वाले फोल्डर में थे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फ़ोटोज़ नहीं है, और जो वीडियो था वो वीडियो भी हाइड हो चुका है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो काफ़ी इजी एप्लीकेशन है, इसमें इधर आप देख सकते हैं वॉल्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसे स्लेथ मोड में नहीं डाला है। आप इसे चाहे तो मेनू से इसे हाइड कर सकते हैं, और अगर हाइड करने के बाद अगर आपको ओपन करना है बिना हाइड मेनू से निकाल के, तो आपका जो पासवर्ड था उसके पहले डबल हैश डाल के आप कॉल कर लीजिए, जैसे और मेरा पासवर्ड था 4x0, और मैं कॉल का बटन दबा लेता हूँ। You seem to have dialed a wrong number. Please check the number. ये देख सकते हैं आप, इधर मेरे को सिक्योरिटी ईमेल के लिए पूछ रहा है। फर्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे तो आपको रॉन्ग नंबर दिखाएगा, लेकिन उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखाएगा जिससे अगर आपको जो आपका फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है वो ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा। अगर आपसे गलती से वॉल डिलीट भी हो गया तो आप वो अपने फाइल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे नेक्स्ट कर लीजिए, या फिर आप नॉट नाउ पे क्लिक कर लीजिए, मैं नॉट नाउ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा वॉल्ट खुल गया। मैं आपको फिर से एक बार डायल पे चले जाता हूँ और मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तुम्ही चुकीचा क्रमांक डायल केलेला आहे, कृपया डायल केलेला क्रमांक। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा वॉल्ट खुल गया, आपको बैकअप में वो दिखा रहा है कि आपका कॉल लग जा रहा है,
लेकिन ये जो है ये सब फ़ोन में ऐसा नहीं होता। मैं अभी कूलपैड नोट 3S यूज़ कर रहा हूँ, इसमें होता है तो बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे तो आप ये भी हो सकता है, इसका बेनिफिट ये है कि कभी अगर आप अपने फैमिली या किसी के सामने खोले तो आप बता सकते हैं हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ या रॉन्ग नंबर चला गया, बाद में आपका फॉल्ट आप हाइड कर सकते हैं। इससे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, आप इसके सेटिंग में जाके इसे देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी एप्लीकेशन है जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप अपने मेनू से कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं ये फ़ोन में तो कर दे रहा हूँ लेकिन आपके फ़ोन में शायद सिस्टम अलग होगा। अगर आपके सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि आप मेनू जो है आपका आइकॉन है आप उसमें चले जाइए, ऊपर आपका 3 डॉट्स रहेगा जिससे आपका खुल जाएगा और उसके अंदर हाइड ऐप्स का ऑप्शन होगा। मोस्टली फ़ोन में ऐसा ही होता है, आपके फ़ोन में कैसा होगा आप उसे चेक कर लीजिए। मैं आपको फ़िलहाल ये फ़ोन में आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसे हाइड कर लेता हूँ। ये जो पासवर्ड है ये मैंने ऐप लॉक रखा है, ये उस चीज़ का है। तो दोस्तों ये आपको नहीं पूछेगा ऐसा पासवर्ड। तो ये मैंने ये जो मैं 3 एप्लीकेशन है हाइड करके रखा हूँ। मैं तो प्लस पे क्लिक करूँगा और जो ऐड का जो प्लस का ऑप्शन जो आइकॉन था वो ऐड का है और जो एप्लीकेशन मेरे को हाइड करना मैं ये वॉल्ट को चूज़ कर लेता हूँ और ओके करके ये देख सकता हूँ मैं मेनू से मेरे गायब हो चुका है। अब मैं डायल में जाके उससे वापस खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये मेडल में चला गया। अब ये जो वॉल्ट है वो वॉल्ट मेरे फ़ोन में खुल जाएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे फोटोज़ बहुत सेफ है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर अपने गैलरी में डालना चाहते हैं तो आप कोई भी फ़ोटो पे क्लिक करके रखिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए। ओके, अभी आपके गैलरी में चला गया। या और आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, शेयर डिटेल्स ओपन, आप जो चाहे वो कर सकते हैं इसमें से। तो दोस्तों आप इसका सेटिंग देख लीजिए, इसमें और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।